हनुमान जी बोले अब और आफत फंस गई ना, हम कौल खा गए। राम जी ही इष्ट उन्हीं की सौगंध खा गए कि हम तुमको सुगंत बचा करके रहेंगे। सुगंत बोलो अब तुम आओ चाहे जो हो। हनुमान जी आए अब रात भर नींद नहीं आई, सुगंत सो जाके फुसफुसा के सो गओ कि हमारी प्रॉब्लम खत्म हो गई। अब पूरी रात हनुमान जी राम 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 रटत रहे। सुबह हुई, राम जी के द्वार पर श्री हनुमान जी सेवा करने प्रातः काल पहुंच जाते हैं। श्री हनुमान जी पहुंचे तो राम जी सेना तैयार कर रहे हैं, तो हनुमान जी तो जानती थे प्रभु कहाँ जा रहे हैं। हनुमान जी सुकंत को मारने जा रहे हैं। हनुमान जी बोले सुकंत का पद क्यों? राम जी बोले प्रतिज्ञा ली है किसकी? अपने गुरुदेव के चरणों की, कि आज अगर हम सुकंत को नहीं मारेंगे तो जलपान नहीं करेंगे। हनुमान जी बोले मत जाओ। राम जी बोले क्यों? हनुमान जी बोले हमने भी प्रतिज्ञा ली है। राम जी बोले किसकी? बोले अपने इष्ट के चरणों की, कि हम सुकंत को बचा करके रहेंगे। राम जी बोले चाहे जो हो जाए प्रतिज्ञा तो टल नहीं सकती, हम तो सुकंत को मारने जाएंगे। हनुमान जी बोले तो हम भी बचा कर रहे। अब दो जन की ठन गई तो लक्ष्मण जी ने टेढ़ी भौहें कर ली कि अब फंस गए तुम बनरा बप्पा। हनुमान जी सीधे दौड़े सुकंत लो के भाई साहब अब ना सो उठ बैठ, दतवन मंजन बाद में करिए भाग ले। सुकंत बोलो गुरुदेव का भाव? हनुमान जी बोले कछुनी मावा भाई साहब आ रहे पूरी फौज लेकर भाग लो। क्यों बचना मुश्किल? राम जी मारने आ रहे। तो सुकंत बोलो हमें क्या प्रॉब्लम है, तुमने भी तो बचन ला कि हम बचा भी। हनुमान जी बोले बचावे ही तो आया नहीं था, अबे लो हम ही संगे आके ना ठोकवा देते बाण। सुकंत बोलो बात भी सही। सुकंत का हाथ पकड़ा, कहाँ जाएंगे तुम्हें क्या करने? चलो जंगल ले गए वन में। वन में ले जा करके बोले अच्छा बताओ क्या करें? बोले संकट में एक काम करो जाप करो। सुकंत बोलो जाप हमें नहीं कर लो कछुमो हूँ, जो भर नजर आ रहा हूँ कहूँ राम जी आना जा मैं मार ना मार दे मैं प्राण पचेरू ना उड़ जा मैं बाल बच्चन को का हुई है राजपाट को का हुई है। हनुमान जी बोले बाल बच्चे छोड़। हनुमान जी तो कीर्तन गा रहे, सुकंत बीच बीच में रोक दे रोको अच्छा जो बताओ हम बच तो दे दी मर तो ना जे। हनुमान जी बोले भाई जाप करो विश्वास रखो होगा कल्याण होगा होगा। सुकंत बोलो कल्याण तो होगा कौन है सुना हो के यही कीर्तन करत करत भी बाण ठोक दे हमारा काम हो जाए। हनुमान जी बोले तुम भजन करो सुकंत बच जे। सुकंत बोलो हमें नहीं लग रहा हो कि बच जे। हनुमान जी कीर्तन करें ना बचे तो बढ़िया, पर तो हनुमान जी कीर्तन करें सो रोवे और हनुमान जी रो तो देखवे सुकंत और ज्यादा डबल माइक में रोवे। हनुमान जी महाराज तो भाव में रोवे पर सुकंत भय में रो रहा है। अब रोने लगे। राम जी पहुंचे सुकंत के घर। क्या सुकंत निकल बाहर मंत्री करे। मंत्री बोले गए भी तो भग गए। राम जी बोले कहाँ भग गए? बोले भग गए अब जौनी है तो कहाँ भग गए। लक्ष्मण जी पे बोले अच्छा जो बताओ। मंत्री पे पूछो किसके साथ अकेले फरार भाई के भूमन लेके? बोले एक बानर आओ तो बंदर वो बानर ले गए। लक्ष्मण जी इशारों करके बोले है बजरंग बली ने खेल खेलता। लक्ष्मण जी भी राम जी बोले बोले अच्छा भाई लक्ष्मण जी ढूंढो कहाँ है? लक्ष्मण जी हाथ जोड़ के बोले तुम आइयो उनकी हमें दो जन की खबर नहीं रहा था, बाकी चाहे जिसका पता है आप दोनों एक दूसरे का मैटर स्वयं जानो। राम जी बोले अच्छा नाराज ना हो हम देखें लगी। तो जहाँ पर जंगल में श्री हनुमान जी महाराज कीर्तन कर रहे थे वहीं पर राम जी पहुंच गए। और जैसे ही पहुंचे सोई राम जी की सेना। राम जी सामने देखो सो सुकंत को कीर्तन ईर्तन सब भूल गो लगो रोवे। भाई हनुमान जी बोले चुप हो जा रो रहा हूँ सेंत में। अरे बोले रो रहा हूँ आ गए भाई साहब। हनुमान जी बोले चिंता मत करो। हनुमान जी महाराज ने सुकंत को अपनी पूंछ में छिपा करके रख लिया, तुम्हारा कुछ नहीं होगा क्योंकि हमने वचन दिया। हनुमान जी को देख करके राम जी बाण चलाए सुकंत के लिए, लेकिन राम नाम के प्रताप के कारण बाण सब बगल से निकल गया। एक चक्र चलने लगा कीर्तन का। राम जी हताश हो गए, अनेकों बाण मारे पर सुकंत नहीं मरा क्योंकि राम जी सौगंध खाए अपने गुरु चरणन की और हनुमान जी भी सौगंध खाए अपने इष्ट चरणन की। राम जी सौगंध खाए के सुकंत को मार कर रहेंगे, हनुमान जी सौगंध खाए के हम तुम्हें बचा के ले भी। हनुमान जी दो ही हाथ जोड़े खड़े श्री राम जय जय राम कीर्तन करे हरा से आंखी खोले की धीरे से पूछ रहे काय सुकंत बढ़िया हो? सुकंत बोलो अबे तो जिंदा बचे हैं लेकिन बगल में हो मिसाइलें सी छूट रहे। हनुमान जी बोले हाथ पाओ ननकारियो नहीं तो फेंकाई जे हो। सुकंत बोलो हम तो इन सिकुड़े यहाँ तना पूछ और तो बढ़ाओ बड़े आई सी हाँ तक और बढ़ा दो। हनुमान जी ने दो ढाई मीटर और पूछ बढ़ा दी। अब बोल सुकंत बोलो अब तो बढ़िया लुक गए हवा लो नहीं यार इतना खोल दो सांस ना रुक जाए तब बानन से बचिए सो श्वास से मर जाइए। सुकंत बोलो बस ऐसे ही चलन दो
जब निपट जाए तब बताइयो। हनुमान जी बोले निपट तुम डरावना। फिर बोलो अच्छा जो बताओ जो तो बताओ बच जेबी। हनुमान जी बोले पगलाएगा चुप रहा। कीर्तन करने लगे श्री हनुमान जी महाराज। लक्ष्मण जी से नहीं देखो गवा बोले बताओ तो जब से लगे लक्ष्मण जी को दिमाग खराब हो गो हाई वोल्टेज ड्रामा बन गो दिमाग। सो ही लक्ष्मण जी ने एक दिया तीर निकालो और छोड़ दो। जैसे ही छोड़ो सो हनुमान जी के वक्ष स्थल में वह तीर लग गया। शक्ति लगी हनुमान जी को लेकिन मूर्छित भय राम जी। राम जी गिर गए। अब आफत हो गई। बाण मारा तो हनुमान जी पर लगा राम जी। लक्ष्मण जी रोने लगे ऐसा कैसे हो गया। बाण मारा तो हमने हनुमान जी को मूर्छित राम जी क्यों हुए। हनुमान जी के हृदय में श्री सीता राम जी विराजमान रहते हैं। श्री पक्ष में तीर मारा तो वो हनुमान जी को ना लग करके राम जी के हृदय में लग गया। राम जी के नेत्र खुले। हनुमान जी ने जब देखा कि प्रभु की है स्थिति और जब राम जी ने हनुमान जी को देख हमारे हनुमान के सीना से रुधिर बहने लगा। राम जी की आंखें भर आई। दौड़ कर जाकर के जोर से कसकर हृदय से लगा लिया हनुमान जी। बार बार हृदय से लगाते सिर पर हाथ फेरते नेत्र बंद किए हैं राम जी के। जब तक ठीक नहीं हो जाएंगे रुधिर बहना बंद नहीं हो जाएगा तब तक हम नेत्र नहीं खोलेंगे। लक्ष्मण जी यह दशा देखकर भुलाने हैं। लक्ष्मण जी यह दशा देखकर के आंखों में आंसू आ गए कि देखो कितना अद्भुत नाता भक्त और भगवान का है। लगाया वीर हनुमान को पर पाया राम ने। हृदय से लगा करके राम जी रोने लगे और सिर पर हाथ फेरे। हनुमान जी ने सोचा ये बढ़िया मौका है। भगवान आंखें बंद कर रही है सिर पे हाथ फेरे ही रहे। सोई भगवान ने लीला करी के पूंछ में से सुकंत निकाल निकल पाए। सुकंत बोलो आ गया हाथ पकड़ के लाओ। हनुमान जी ने अपनी जगह सुकंत को बैठा कर प्रभु का हाथ सुकंत के माथ पर रख दिया। जैसे ही सुकंत के माथ पर रखा राम जी ने नेत्र खोले। सोई राम जी मुस्कुरा गए हंसने लगे सुकंत तुम। हनुमान जी बोले अब चाहे जैसे हो जब आपका हाथ अब इसके माथ पर रख गया तो अब एक और कृपा कर दो कि सर इसको प्राण जो लेने हैं वो आप प्राण त्याग दो। इसके प्राणों का इसको वरदान दे दो कि वापस ऐसे ही जीवित रहे। बोले हनुमान जी वैसे भी तुम जिसको अपनी गोद बैठा लेते हो जिसको अपने चरण में लगा लेते हो मैं उसके सिर पर हाथ रख ही देता हूँ। सुकंत तो बड़ा भाग्यशाली है। सुकंत गदगद हो गया। हनुमान जी कहा सरकार से अभयता का वरदान। राम जी बोले हम अभयता का वरदान तो दे दे रहे मार भी ना पड़े लेकिन गुरु जी का बता दे। बोले वो हम बाद में निपट लेंगे। इतने में सुकंत की तरफ राम जी देखे बोले अच्छा जो बताओ जो तुम्हें ज्ञान की के संतन को अपमान करियो। सुकंत ये कुसंग की बुद्धि कहाँ से आई। तो सुकंत हाथ जोड़ के बोलो सत्संग से। राम जी बोले सत्संग से ऐसी बुद्धि की न दई। और नाम ले ही बारे हते नारद जी ने सोचे कहूँ ऐसा ना हो बाण हमारे न खल जाए। नारद जी नारायण नारायण का कीर्तन करते प्रकट हो गए। हाथ जोड़ के बोले सरकार जो सब हमारी लीला है। राम जी बोले जो कुसंग तुम्हें पुसा ये सब लीलाएं तुम कर। नारद जी बोले क्या करें लेकिन सब सोचने लगे कि अब गुरु जी को क्या वचन देंगे। तब तक गुरु जी स्वयं आ गए बोले चिंता मत करो हम भी इसको क्षमा कर रहे हैं क्योंकि किसी को मारना हमारा ध्येय नहीं है सुधारना हमारा ध्येय है। लेकिन धन्य है वीर बजरंग बली अपने भक्त की रक्षा के लिए अपने स्वामी से भी लड़ गए। 10 लाभ हैं हनुमान जी की पूजा से। पहला लाभ क्या नेगेटिविटी एनर्जी परेशान कर रही हो गंदे विचार बच्चों को आते हो छोटे बच्चों का मन अशांत रहता हो पढ़ने में दिक्कत रहती हो रोज सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ाइए। इस चौपाई से हवन करवाइएगा भूत प्रसाद से नकारात्मक ऊर्जा भग जाएगी विचार शुद्ध हो जाएंगे और हनुमान जी की पूजा से पहला लाभ प्राप्त हो जाएगा। दूसरा लाभ क्या कैसी भी बाधा हो। कौन सी बाधा ग्रह बाधा। ग्रह कितने होते हैं 9। अच्छा 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा खतरनाक कौन है शनि देवता। और हनुमान जी ने शनि देव को ही ठिकाने लगाया। इनको कहते हैं नवग्रह। लेकिन नवग्रह के ऊपर अगर हनुमान जी का हो जाए अनुग्रह तो क्या बिगाड़ेंगे नवग्रह। तीसरा लाभ क्या है जरा सुनिएगा। रोग हो बीमारी हो दवा काम ना कर रही हो आप हनुमान जी की पूजा करिए
हनुमान जी के भक्त बन जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए तो होगा क्या? दवा असर करने लगेगी, रोग मिट जाएगा। चौथा लाभ क्या है हनुमान जी की पूजा से? जो हनुमान जी का भक्त होता, हनुमान जी की पूजा करता, वो कोर्ट में, कचहरी में, मुकदमा में, बंधन में, उच्चाटन में, मारण में, वशीकरण में अगर बंधा हो तो वो हनुमान चालीसा पाठ से और हनुमान जी की पूजा से मुक्त हो जाता है। पांचवा लाभ क्या है? पांचवा लाभ है टोटका के बंधन से हनुमान जी बचाते। पंचमुखी हनुमान बन करके अहिरावण जैसे को ठिकाने हनुमान जी।